If the fourth, 10th, and 16th terms of a GP are x, y, and z respectively, prove that x, y, z are in GP. तो x, y और z GP में तभी होगा जब y square equal to x, z हो जाएगा. ये कैसे है? तो दोनों का common ratio same होगा. y divided by x, second term divided by first term equal to third term divided by second term. तो क्या जाएगा? y square equal to x, z. अगर ये हम साबित कर दें कि y square equal to x, z है, तो ये solve हो जाएगा. हम देखते हैं फोर्थ टर्म, कह रहा है फोर्थ टर्म कितना है x, टेंथ टर्म कितना है y और सिक्सटीन टर्म कितना है z. मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, कॉमन रेशियो इक्वल टू r. तो tn टर्म क्या हो गया? tn टर्म इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस वन. तो t4 कितना हो गया? x, क्योंकि फोर्थ टर्म जैसे कि x है, तो T4 हो गया ए आर टू दी पावर 4 माइनस वन, तो Q इक्वलन टू X हो गया ए. उसी तरह T10 इक्वल टू ए आर टू दी पावर 9 इक्वल टू Y हो गया. T16 कितना हो गया? इक्वल टू ए आर टू दी पावर 15 इक्वल टू Z हो गया. ठीक है, अब यहां से देखते हैं Y स्क्वायर कितना हो गया, क्योंकि यही हमको प्रूव करना है. तो LHS कितना है? LHS इक्वल टू Y स्क्वायर इक्वल टू इतना के स्क्वायर, ए आर टू दी पावर 9 के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू की पावर 18 हो गया. आर एच एस कितना है? इक्वल टू एक्स इंटू जेड. आर एच एस एक्स इंटू जेड है, तो एक्स और जेड का जो वैल्यू हम पे दिया हुआ है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया? ए आर टू की पावर क्यूब इंटू ए आर टू की पावर 15 इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू की पावर 18 हो गया. तो यहाँ से हम देख रहे हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड ये वो साबित हो गया. अगर y स्क्वायर इक्वल टू x z हो गया, इसका मतलब हो गया कि x y z क्या है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं.